लॉकडाउन को लेकर राजस्थान के कोटा में छत्तीसगढ़ के बच्चे फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में फंसे छत्तीसगढ़ के बच्चे अब काफी मायूस भी हो चुके हैं, क्योंकि वहां फंसे अन्य राज्यों के बच्चे अपने अपने घर लौट रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने सभी जिला स्तर में कलेक्टरों को बच्चों को जल्द उनके घर पहुंचाने के निर्देश दे दिए हैं। यहां आपको बता दें कि कोटा में फंसे बच्चे दूसरे बच्चों को हॉस्टल खाली कर अपने घर जाते देख अब इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रदेश सरकार उनकी कोई सुध लेगी और वे कब जल्द अपने घर लौटेंगे। बताते चले कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की कोचिंग ले रहे करीब 40,000 से ज्यादा छात्र कोटा में अटक गए थे, लेकिन 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 18,000 विद्यार्थी अपने अपने घर जा चुके हैं। उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के करीब 12,500, मध्य प्रदेश के 2,800, गुजरात के 50 और दादरा नागर हवेली के 50 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा के 1,000, असम के 400 और राजस्थान के विभिन्न जिलों के 1,500 बच्चे अपने अपने घरों के लिए शुक्रवार को रवाना हो जाएंगे। इसी तरह से शनिवार को हिमाचल प्रदेश के 100 और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के 500 बच्चे और 100 बच्चे अपने निजी साधनों से घर जाएंगे। इसके लिए कोटा कलेक्टर ने अनुमति की कागजी कार्यवाही पूरी कर ली है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के हजारों बच्चों को इंतजार है कि वे जल्द अपने घर लौट पाएं। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.